Namaste. Good morning, everybody. Mr. President, विश्व कल्याण की शुरुआत जन कल्याण से होती है और स्वास्थ्य उसकी महत्वपूर्ण इकाई है और इसलिए यह विषय भारत के लिए बहुत बड़ी प्राथमिकता है। हम इस विषय पर होलिस्टिक अप्रोच के साथ चार पिलर्स पर काम कर रहे हैं। पहला पिलर है प्रिवेंटिव हेल्थ का। हमने योग, आयुर्वेद और फिटनेस पर विशेष बल दिया है। हम 1.25 लाख से अधिक वेलनेस सेंटर बना रहे हैं। इससे लाइफस्टाइल डिसीज जैसे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, डिप्रेशन आदि को नियंत्रण में मदद मिल रही है। ई सिगरेट का बढ़ता हुआ क्रेज बहुत ही चिंता का विषय है। भारत ने युवा पीढ़ी को इस गंभीर संकट से बचाने के लिए ई सिगरेट को बैन कर दिया है। हमारे क्लीन इंडिया मिशन ने लाखों जिंदगियों बचाने में योगदान दिया है। इम्यूनाइजेशन पर भी हमारा विशेष जोर है। नई वैक्सीनों को जोड़ने के साथ हमने दूर दराज के इलाकों में एक्सेस को भी सुधारा है। दूसरा पिलर है अफोर्डेबल हेल्थ केयर। हमने विश्व की सबसे बड़ी हेल्थ एश्योरेंस योजना आयुष्मान भारत को लागू किया है। इसके तहत 500 मिलियन गरीबों को प्रतिवर्ष 500,000 रुपये तक मुफ्त इलाज की सुविधा दी जा रही है और पिछले सिर्फ एक वर्ष में 4.5 मिलियन लोगों ने इसका लाभ उठाया है। हमने 5000 से अधिक स्पेशल फार्मेसी शुरू की है जहां 800 से अधिक अहम दवाइयां अफोर्डेबल कीमत पर उपलब्ध कराई जा रही हैं। हार्ट के स्टेंट की कीमत 80% तक और नी इम्प्लांट की कीमत 50% से 70% तक कम की गई है। किडनी की समस्याओं से पीड़ित लाखों लोग भारत में निशुल्क डायलिसिस सुविधा का लाभ उठा रहे हैं। तीसरा पिलर है सप्लाई साइड में सुधार का और इसके लिए हमने भारत में क्वालिटी मेडिकल एजुकेशन के लिए, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कई ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। दूसरे सेक्टर में हमने आमूलचूल सुधार किए हैं और चौथा पिलर है मिशन मोड इंटरवेंशन का। यदि माएं और बच्चे स्वस्थ हो तो पूरे समाज को स्वस्थ करने में की नींव बन सकती है और इसलिए हमने मिशन मोड पर राष्ट्रीय पोषण अभियान जैसी पहल की है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में टीबी को 2030 तक समाप्त करने का लक्ष्य है। भारत ने हमने इसे मिशन मोड में लक्ष्य में 2025 तक इसको पाने का इरादा रखा है और मुझे पूरा विश्वास है कि हम यह लक्ष्य भी प्राप्त करेंगे। वायु प्रदूषण, जानवरों में होने वाली और फिर उनसे मनुष्यों में फैलने वाली बीमारियों के खिलाफ भी हमने अभियान शुरू किया है। एक्सलेंसी, स्वास्थ्य का तात्पर्य मात्र रोग मुक्ति से नहीं है, स्वस्थ जीवन भी हर किसी का अधिकार है। इसके लिए हर संभव प्रयास करना हमारी सरकार का दायित्व है और भारत के प्रयास भारत की सीमाओं के अंदर तक ही सिमटे नहीं है। हमने कई देशों, विशेष रूप से अफ्रीका के देशों में टेलीमेडिसिन द्वारा अफोर्डेबल हेल्थ केयर की एक्सेस बढ़ाने में सहयोग किया है और आगे भी करते रहेंगे। हमारा अनुभव और हमारी क्षमताएं सभी विकासशील देशों के लिए उपलब्ध है। एक्सलेंसीज, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया की भावना के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ, यानी सभी सुखी हो,
सभी रोग मुक्त हो. बहुत बहुत धन्यवाद. I thank His Excellency.